साइड चेस ऐसे पेपर में आप के लिए मानी एंड आई एम प्राउड सुनिए नंबर आ गया छे काफी बड़ा स्टेज है हमारे पास थोड़ा सा पीछे चले गए नाज़रीन आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शमान। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूं एक लिंक रोड के ऊपर जहां पे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से एक फेस्टिवल का इनका किया गया है। बहुत से बॉडी बिल्डर्स ने इसमें हिस्सा लिया है और आए आपको बारी बारी जो बॉडी बिल्डर से मिलवाते हैं उनके तासुरात बताते हैं कि महंगाई के दौर में बॉडी बिल्डिंग को किस तरह मैनेज करते हैं। देखा कि जो आपके कंपीट में लड़का था वो कह रहा था कि नाइंसाफी हुई, क्या कहेंगे उस बारे में? सर मैं जो स्टेज पे जज ने फैसला करना वही होना ना, कहते हैं हम तो सब कुछ दुनिया देख रही है, जो दुनिया कहेगी वो भी होएगा। ठीक है, आप दुनिया को खड़ा कर लिए, जज को खड़ा कर लें। अच्छा, इतनी महंगाई के दौर में बॉडी बिल्डिंग करना एक बहुत ही महंगा तरीन खेल है, कैसे मैनेज करते हैं? सर घर वाले शौक पूरा करते हैं। घर वाले? हाँ जी, वो कहते हैं अच्छी बॉडी बिल्डिंग है करो, आप शौक पूरा करो। जॉब करते हैं कि क्या करते हैं? सर मैं ट्रेनर भी हुआ स्टोर पर। ठीक है, ये मेरा भाई है, ठीक है, दोस्त भी हम सारे कहते हैं ये इसी फील्ड में है, कहते हैं हमारा अपना जिम भी है। आपसे बात करना चाहूँगा कि आजकल जो यंग जनरेशन जो है गलत कामों में पड़ चुकी है, उनको ये फिटनेस के हवाले से क्या गाइड करेंगे आप? सर देखें, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो हमारी इस टाइम आपके सामने सिचुएशन चल रही है, तो मेरी तो बच्चों से और आने वाली जनरेशन से एक ही बात है कि थोड़ा कहें अच्छा कहें मगर इन बुराई से बचें, नशे से, ओवरऑल जो बुराई के रास्ते उनसे बचना चाहिए। हमारे जो जजिंग पैनल बैठता है वो कोई आम पैनल नहीं है, वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कोर्सेज किए होते हैं, जीत के आए होते हैं और एक स्टेज उन्होंने देखा होता है और हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। हमारा जो लड़का था उसने कल जूनियर के लिए पार्टिसिपेट किया था और हमने उन्होंने इशू किया कि आपकी एज ज़्यादा है, 3 मंथ ऊपर था, हमने फिर भी जो है वो सर्वाइव करके हमने कहा आप अपनी मर्जी की क्लास में डाल, वो क्लास भी डाली, उसमें भी अगर इनको इतराज़ है तो फिर जजिंग की रिस्पेक्ट नहीं रह जाती। कोई भी चीज़ है वो थोड़े टाइम के साथ अचीव होती है, वक्त लगता है, ये तो नहीं है कि वो आप 3 महीने जो है वो लगाएं या 6 महीने लगाएं तो बॉडी बिल्डर तैयार हो जाए, मेहनत करनी पड़ती है, वो आपके सामने है इंशाल्लाह। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के वाले से जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पाकिस्तान लेवल के ऊपर बॉडी बिल्डिंग को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? सर देखें, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, ये नहीं कि वो नहीं करती, इसमें यह है कि कुछ हमारी भी कुछ इसमें इशूज़ हैं क्योंकि हमने फेडरेशन बहुत ज़्यादा बनाई हुई है। अगर एक जज भट्ट साहब थे, उनकी मगफरत फरमाए, वो थे और कुछ शाहिद भट्ट साहब थे, तब तक जो है वो बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग चलती रही है। अब आगे थोड़ा सा ये है कि हर फेडरेशन अपना एक प्लेटफॉर्म ओपन कर लेती है, उसके लिए जो लड़कों को समझ नहीं आती है, और आगे आने वाला जो वक्त अगर हमारी हुकूमत स्टेबल होते तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी जरूर सोचा जाएगा। और मुझे आगे कौन सा कंपटीशन खेलने की? आगे मिस्टर पंजाब का। मिस्टर पंजाब जी, मिस्टर पाकिस्तान भी, एशिया भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको कि कम्पीट करेंगे? इंशाल्लाह, मेहनत बहुत ज़्यादा, कोशिश पूरी है कि हम खेलने जाएंगे, लड़ने नहीं जाएंगे, स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है, खेला जाए, जीता वही है जिसने अच्छी मेहनत की है, हार को एक्सेप्ट जो करता है वही प्लेयर होता है। तो एक हारेगा नहीं उसे पता कैसे चलेगा मेरे में क्या खामी है, तो हम में भी कुछ नहीं, हम इसको इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल तक आपको इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो गोल्ड मेडल तक ला कर देंगे। तो हमारे एक और स्पोर्ट्समैन है इंशाल्लाह कमिंग सून, आपको वो भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। 41 एज जी, तो बॉडी बिल्डर के लिए कोई एज की कोई लिमिट नहीं होती? कोई लिमिट नहीं है जी, बॉडी बिल्डर के लिए कोई लिमिट नहीं है एज की, वो 65 में भी खेल सकता है, 50 में भी खेल सकता है, सिर्फ हिम्मत और हौसला होना चाहिए। कैसे शौक पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत ज़्यादा शौक है हमें, हम इसको छोड़ नहीं सकते और इंशाल्लाह ताला तब तक जिंदा रहेंगे तो ये करते रहेंगे। अच्छा बताएं कि इतनी महंगाई के दौर में किस तरह मैनेज करते हैं, जॉब करते हैं, बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा शौक है? बहुत महंगा शौक है, बस अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके निज़ाम चल जाता है और शौक भी साथ साथ में करने पड़ते हैं। वाकई ये बहुत महंगा शौक है, मगर मेरा मैसेज है कि जो ये शौक करता है तो वो इसको छोड़ नहीं सकता, और महंगाई तो आपको पता ही है और ये महंगा शौक है तो वो मैनेज कर ही लेता है, अल्लाह पाक उसको हौसला दे देता है। अच्छा, आगे कौन सा टाइटल खेलेंगे कि बस यहाँ तक खत्म है? नहीं, पंजाब आगे इंशाल्लाह ताला खेलना है, पंजाब 2 महीने बाद। हाँ, 2 महीने बाद पंजाब इंशाल्लाह वो खेलना है। तो क्या लगता है कि वो तैयारी हो जाएगी 2 महीने? इंशाल्लाह जो मेरे अल्लाह ने चाहा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। एंड डाइट, खाना पीना सब कुछ बड़ा मैनेज करना पड़ता है? सबसे पहले तो घर वालों की सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, अल्लाह पूरा कर देता है, ठीक है, और मजीद मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, आगे
इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कितना कितना टाइम हुआ आपको, कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग? मुझे तकरीबन पर्सनल करते हुए साल हो गया, उससे पहले मैं 3 साल पहले लगा था बॉडी बिल्डिंग का, मुझे शौक पड़ा था। तो नेक्स्ट क्या गोल है अगर आगे कंपटीशन खेलने का? इंशाल्लाह जितनी देर तक अल्लाह ने साथ दिया इंशाल्लाह उतनी देर तक हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो कितनी देर हो गई बॉडी बिल्डिंग? मुझे तकरीबन 2 माह में मैंने तैयारी की है। तो पोजीशन कौन सी आई? पोजीशन मेरी 3री है, फर्स्ट पोजीशन बनती है, इन्होंने अपना लड़का जिताया है, ठीक है, 2 नंबर ही किया मेरे साथ, दूसरी भी नहीं थी, दोनों लड़के अपने जितवाए हैं इन्होंने, और 3री पोजीशन मुझे दिया है, हालांकि मैं उन दोनों से लीन था। नहीं, जज बैठे हैं, 5-6 जज का पैनल है। उनको मैंने कहा रात को हम उनके पास भी गए हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं यार इस लड़के ने बहुत मेहनत किया, 4 साल हो गए हैं इसको गेम करते हुए, इसने बहुत अपने ऊपर खर्चा किया है, तो इस वजह से हमने इसको ही जितवाना है, इसका कोई हल नहीं है। मतलब फिर नहीं नतीजा निकला? नहीं नहीं कोई नतीजा नहीं निकला, इन्होंने जान के सिर्फ बस अपना लड़का जिताया, मुझे मेरे वाले साहब ने सारा कुछ किया, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, घर वालों ने बहुत ज्यादा मेरे साथ तावन किया, तो इस वजह से आज उनसे इधर खड़े हूँ। आगे क्या गोल है आपका? गोल ये है की अगर 2 नंबर होती रहेगी तो फिर तो गोल कोई नहीं है, अगर 1 नंबर करेंगे तो इंशाल्लाह पंजाब का जोन सा है। जी बहुत शुक्रिया। ओके जी जी। तो मेरे से नाज इस टाइम एक बॉडी बिल्डर मौजूद है, उससे पूछते हैं कि कितनी इनको तैयार होने में कितनी देर लगी है और इनको कितना इस टाइम पैसा खर्च हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुबारक हो, आपकी 3री पोजीशन आई है आपकी क्लास में, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने नाजिर को ये बताया कि कितना टाइम लगता है बॉडी बिल्डर को तैयार होने में? मेहनत तो सारी जिंदगी की होती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है कंपटीशन से पहले। सुना है कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही महंगा खेल हो चुका है, तो किस तरह से, क्या जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, कैसे मैनेज करते हो? मैं जॉब करता हूँ मिस्त्री शाह में, स्पेयर पार्ट की जॉब करता हूँ, तो मेहनत तो लगती है हर एक काम में, बस ये है मेहनत का फल मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैनेज हो जाता है, जॉब भी करते हो, घर का खर्चात भी है, इतनी महंगाई भी है, तो किस तरह मैनेज करते हैं? बस अल्लाह पूरा करता है, हमने क्या पूरा करना है, अल्लाह करते हैं बस। चलिए अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। आमीन सुम्मा। इस क्लास के डबल बाइसेप।